Good morning guys, welcome to the new vlog. And the new vlog starting very early, 6:30 morning. 7:30 se to class hai, uthna padega. Already fresh ho gaya, brush ho gaya aur ab chal rahi hai green tea, cup of a green tea. Aur uske baad niklenge naha ke dhoke puja karke niklenge class ke liye. Aur subah itni jaldi uthna thoda sa na अगेंस्ट ह्यूमन राइट. मैं बच्चों को भी बोलता था क्लास में, कई बच्चों को याद होगा कि इतनी सुबह क्लासेस 7:30-8 बजे से क्लास ऐसा लगता है जैसे दैट इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट. कायदे से 9, 9:30, 10 से स्टार्ट होना चाहिए, पर ठीक है, क्या करें. जो नए बैचेस स्टार्ट हुए ना, दे आर क्वाइट लेट. और ये भी पहला टेक्निकल सब्जेक्ट चल रहा है जी बैच के लिए, तो ये दिस इज द फर्स्ट टेक्निकल सब्जेक्ट रनिंग. तो थोड़ा सा जल्दी खत्म करना पड़ेगा उनका सिलेबस. जो पुराने बच्चे उनको पता है कि लास्ट में फिर बैचेस डिलेड होते हैं, डिले होते हैं इन द सेंस कि सिलेबस लगता है कि टाइम ने कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो चलो लगे रहो. एक बड़ी अच्छी बात यह है कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं जिनकी बहुत पीछे रैंक थी गेट में. दे आर ऑल्सो गेटिंग नाउ इंटरव्यू कॉल फ्रॉम द PSUs. तो गाइज थोड़ा सा खुश होने का टाइम आया है, शायद मार्केट कंडीशंस बेटर हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं. और इसीलिए जो लोग काफ़ी पीछे रैंक लेके आ रहे थे, जिनको शायद एमटेक भी बहुत अच्छी ब्रांच नहीं मिल पा रही थी, NITs वगैरह मिल रही थी, उनको भी इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं. तो कीप प्रिपेयरिंग, यू कैन गेट कन्वर्टेड ऑल्सो. और हो सकता है अभी और आगे लंबा आए, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद हर पब्लिक सेक्टर्स, हर प्राइवेट इवन कंपनीज हैं, दे आर कॉलिंग फॉर एम्प्लॉयज़, दे रिक्वायर एम्प्लॉय. और एम्प्लॉयज़ चाहिए उनको, तो मतलब सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे गिव एज एन इंजीनियर फॉर इंजीनियर्स गेट. तो गेट में जिनकी भी रैंक अच्छी है उनके चांसेस बनते हैं. तो अपनी मेल वगैरह चेक करते रहिए, कहीं हो सकता है आपको भी कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए. जस्ट गाइस ऑन द वे टू क्लास, निकल दिए, तैयार होके बहुत जल्दी. 7:30 क्लास स्टार्ट होगी, अभी 7:15 है. स्टिल आई हैव 15 मिनट्स टू कवर अप. सुबह ट्रैफिक थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा हल्का ट्रैफिक रहता है, लाइट ट्रैफिक. 8:30-9 बजे का बहुत, बाप रे जो ट्रैफिक होता है गुड़गांव वाला, बैंड बज जाती है. बस निकल दिए हैं, नाश्ता वहीं मंगा लेता हूँ, इग्नोर सेंटर से नाश्ता वहीं पे आ जाता है, ब्रेकफास्ट वहीं करते हैं, जल्दी से क्लास स्टार्ट. मैंने घर पे भी कोई है ही नहीं, ब्रेकफास्ट की दिक्कत होती है सुबह. लंच भी मेरी जी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, दोपहर में लंच भी वहीं आता है, लंच भी वहीं किया. रात का मेरी जी नहीं जाता, खुद ही कुछ बना लिया हल्का फुल्का, या फिर कभी कौशिक भैया क्या, ऐसे ही चल रहा है. तो ऐसे ही चल रही है अपनी ज़िंदगी. तो आप सुनाओ आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. मेडिजी सेंटर सुल्तानपुर और ब्रेकफास्ट गोइंग ऑन. ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे क्लास के लिए. 5 मिनट्स टू स्टार्ट द क्लास. हेलो एवरीवन, दिस इज मेडिजी बैच S+F+G कंबाइंड टुगेदर एंड वेरी गुड स्टूडेंट्स. पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं सब. बस दुख यह है कि नहा के नहीं आते, बाकी तो सब अच्छे, सब पढ़ने लिखने वाले हैं. Today I am completing the subject. That's why I'm making a small vlog, covering all the students, and all the best to all of you. God bless you all with good ranks, happiness, prosperity, and everything whatever you want in your life. My best wishes always with you all. And industry में क्या है? Industry समझ में आया सबको? Yes sir. सारे questions बनेंगे? Yes sir. कोई doubt तो नहीं है? तो बढ़िया एग्जाम में फोड़ के आना, इंडस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत. मेरी इज्जत आपके साथ जुड़ गई है, तो इसको खराब मत करना, क्वेश्चन छोड़ना मत. तो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, मीट सून. अगर फिर से मिलेंगे मुलाकात होगी. चलते हैं. बेटा इधर देखो यार, तुम रिकॉर्डिंग बने. मास्क थोड़ी देर के लिए हटा सकते तो ज्यादा बेटर था, नहीं तो फिर बाद में बच्चों को दिखाओगे 20 साल बाद की, ये देखो हमने कहा पापा आप तो दिख नहीं रहे, फोटो ही नहीं समझ में आ रहा. तो चलिए, ये है सारे बच्चे मेडिजी के. बड़ी रिक्वेस्ट है कि पीछे वालों की भी, तो इसलिए आई एम जूमिंग आउट टू कवर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ मेडिजी S+F+G कंबाइंड टुगेदर. होपफुली ऑल आर कवर्ड अप नाउ, ऑल द चंगू एंड मंगू आर कवर्ड. कोई चंगू मंगू नहीं छूटेगा, सब आ गए है ना, सभी लोग आ चुके हैं. So that's all for from my side for the industrial portion. All the best to all of you. God bless you all. Take care. Bye. Guys, today completed batch and now just on the expressway. जा रहा हूँ इंदौर. बच्चों के पास, बच्चों को पिक करूंगा और निकलूंगा रीवा के लिए. अब आदत सी हो गई.
यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। यूज टू दिस रूट क्वाइट लॉट, बट नॉर्मली अभी तक ये जो रूट यूज होता था ये होता था रीवा जाने के लिए। पहली बार जा रहा हूँ इंदौर, तो आगरा तक तो इसी रूट पे जाना है, उसके बाद आगरा के बाद ग्वालियर, ग्वालियर और शिवपुरी होते हुए जाना पड़ेगा इंदौर। तो बस दो दिन इंदौर में रहेंगे, कुछ दोस्तों से मिलना है, कुछ मुलाकात होगी लोगों से, और फिर उसके बाद निकलना होगा रीवा के लिए। रीवा में फिर पहुंच के कुछ दिनों में प्राइम बैच स्टार्ट होने वाला है। इन बिटवीन बच्चों के स्कूल भी चालू हो जाएंगे, गूगल के स्कूल, थोड़ा सा सारी चीज़ें सेटअप करके फिर निकल लेंगे कुछ दिनों बाद। अभी जयपुर बचा हुआ है बैच इंडस्ट्रियल, और फिर पावर प्लांट भी स्टार्ट करना है। होपफुली वेरी सून पावर प्लांट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन दिल्ली बैचेस। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। माय डिजिटल स्ट्रोक स्पीडोमीटर इज टेलिंग 120 और वो बंदा जो है बाइक पे इज मोर देन मी। वो इतनी गर्मी में यू नो द आउटसाइड टेम्परेचर near about 45 degree. See, you can see him in my outside display only. It is 43. पर ये थोड़ा सा कंफर्ट दिखा रहा है क्योंकि एसी चल रहा है। उसके बाद ये बंदा भगा रहा है। Now you can see my speed is 138, 140. And he is still driving much faster than me. शिवपुरी बस यार रुका था, रात को स्टे किया। अब निकलेंगे अब यहाँ से इंदौर के लिए। तो स्टे यहीं हुआ था, दिस इज़ अ होटल उदय विलास, यहीं पे रुक गया था ऑन हाईवे। बस अब निकलने वाले हैं, निकलेंगे 7:30 हो रहे हैं, बस निकलेंगे इंदौर की तरफ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत दिन बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं और हमारे पापा बहुत दिन बाद आ गए हैं। ये तो फाइनली दिल्ली से पहुंच गए इंदौर, है ना? इंदौर पहुंच गए, दोनों बहुत खुश हैं। बहुत खुश है ना माऊ? हाँ। कितनी खुश है? और हम पता है यहाँ से हम रीवा जाने वाले हैं, और अभी बस हम ब्लॉग बना के थोड़ी देर में नीचे भी जाने वाले हैं। आज हम पैदल नहीं घूमने जाने वाले, तो एक दिन ब्रिज हम अरंजी भैया के साथ मॉल गए थे और अब पापा हमको ले जा रहे हैं। मॉल में जाके क्या करोगे? अभी जा रहे हैं ना, तो करना क्या है मॉल जाके? वहाँ जाके मैं कुछ खेलूंगा। आजकल इसको प्ले जोन का चस्का चढ़ गया है। जा रहा हूं गाइस, प्ले जोन जाते हैं और वहां पर मस्ती करते हैं, बहुत खेल खेलते हैं, है ना? तो बस इनको अब लेके जाना है प्ले जोन। अभी पहुंचे थोड़ी देर पहले और अब इनको ले जाऊंगा मॉल। प्ले जोन में गेम खेलेंगे, बाइक और कार और पता नहीं क्या क्या, घोड़ा वोड़ा सब पता नहीं क्या क्या। चलो चलो गाइस, हम आपको दिखाते हैं इन दोनों की मस्ती और प्ले जोन में, ठीक है? और सब्सक्राइब भी नहीं करते। हाँ, करो। हमारी विजेती मत करो भाई। और हम जब प्ले जोन जाएंगे, केएफसी जाएंगे, तो वहाँ भी हम ब्लॉग बना के आपको सब देंगे। तो आप देखिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, बहुत सारे लाइक दिल देंगे। ठीक है, बाय। गप्पू क्या कर रहा है? We'll be right back.
आपसे ज़्यादा शेयर करिए, रेड बटन को क्लिक करके ग्रे कर देना। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रगति कितनी धीमी गति से हो रही है, पर आज भी आप उन लोगों से आगे हैं जो कुछ भी करने की कोशिश ही नहीं करते।